त्यौहार के सीजन में सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में खाद्य तेलों के भाव में थोड़ी कमी आई है, जिससे महाराष्ट्र समेत बाकी राज्यों की जनता को भी थोड़ी राहत मिली है। दीपावली त्यौहार का मतलब चकली, चिवड़ा, करंजी और कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो दीपावली के दिन हर घर में बनाई जाती हैं। इस साल दीपावली पर इस खाने का और भी स्वादिष्ट स्वाद ले पाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा आयात शुल्क में कटौती के कारण औरंगाबाद बाजार में सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल की कीमतें 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक कम हो गई हैं। कारोबारियों का कहना है कि निकट भविष्य में खाद्य तेल की कीमतों में कुछ और गिरावट बन सकती है। दशहरे से 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2022 तक पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के कच्चे तेल पर सीमा शुल्क और कृषि उपकर में कटौती की घोषणा की थी। कच्चे पाम तेल पर 7.5% और सूरजमुखी के तेल पर 5% कृषि उपकर लगाया गया है। पाम तेल के लिए सीमा शुल्क घटाकर 8.25%, सोयाबीन तेल के लिए 5.5% और सूरजमुखी तेल के लिए 5.5% कर दिया गया है। इसका असर अब औरंगाबाद शहर के बाजारों में भी दिखने लगा है। सोयाबीन तेल 10 रुपये सस्ता हो गया है और 135 रुपये में बिक रहा है। पाम तेल 5 रुपये की गिरावट के साथ 150 रुपये पर बिक रहा है। साथ ही सूरजमुखी तेल की कीमत 150 रुपये प्रति लीटर है। निकट भविष्य में कीमतों में कुछ हल्की फुल्की और गिरावट बन सकती है। बाजार में नई मूंगफली के आने से आने वाले सप्ताह में मूंगफली के तेल में 10 रुपये प्रति लीटर की और गिरावट आने की संभावना है। रिफाइनिंग ऑयल मिलों के पास खाद्य तेल का बड़ा भंडार है। दिवाली को ध्यान में रखते हुए स्टॉक को ऊंचे भाव पर रखा जाता है। इस बीच कुछ रिफाइनिंग मिलों ने अभी तक तेल की पैकिंग के दाम कम नहीं किए हैं, जबकि तेल की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।